हरिद्वार में चारों धामों के नामों के दुरुपयोग को रोकने को लेकर कैबिनेट में पास किए गए प्रस्ताव का हरिद्वार के साधु संतों ने स्वागत किया है। हरिद्वार के कनखला स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में साधु संतों ने जिले के डीएम एसएसपी को धन्यवाद ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। गदरपुर में स्वर्गवासी चिंतरजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर पर पौधे लगाकर लोक पर्व हरेला पर मनाया गया। प्रधानमंत्री का आह्वान, एक पेड़ मां के नाम पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए और कांवड़ मेले में असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए और उन पर नजर बनाए रखने के लिए ज्वालापुर हरिद्वार पुलिस ने एक पहल की है। व्यापारियों के साथ बैठक की जिसमें कांवड़ मेले को लेकर कई मानदंड तय किए गए। उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका बड़कोट में भीषण पेयजल किल्लत से जूझ रहे नगरवासियों का भूख हड़ताल व अनिश्चितकालीन धरने पर नया मोड़ आ गया है। प्रशासन और पुलिस ने आंदोलनकारियों को जबरन उठवाकर पहले थाने लाए, उसके बाद चिन्हित धरना स्थल छोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर के सभी लोग इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। चमोली में जिलाधिकारी अबरार अहमद की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और बाकी बची समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। हरिद्वार में कांवड़ मेले का जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ गढ़वाल और कुमाऊं रेंज का मेले में नियुक्त समस्त फोर्स पीएसी और पैरा फोर्सेस की कंपनी की ब्रीफिंग की और सभी को कांवड़ मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के भी निर्देश दिए। हरिद्वार में कांवड़ मेले के लिए गांजे की खेप लेकर पहुंचे तीन तस्करों को आधा कुंटल गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना हाजा पर एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली में पिछले कुछ सालों से थराली विकास खंड के सोन घाटी से बहने वाला एक सामान्य सा नाला हर बरसात में थराली से निचले हिस्सों में बसने वाले लोगों के लिए दहशत का पर्याय बन गया है। पिछले कुछ दिनों हुई बारिश से एक बार फिर से थराली और सूना गांव में एक साल बाद ठीक बरसात के समय निर्मित किए गए बैली ब्रिज भी इसके जल प्रभाव की चपेट में आकर बह गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो पुल बनने का कार्य पिछले बरसात समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। केदारनाथ में पैदल मार्ग चीरबासा के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग चीरबासा के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर आने से कुछ यात्रियों की मलबे में दबने से मौत हो गई और जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को रेस्क्यू के लिए बचाव राहत कार्य में लगी हुई है। ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में नशे में धुत युवकों ने हवाई फायर किए। गोलियों की आवाज सुनने पर आपास में ड्यूटी कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड को देखकर युवक अपने वाहन में बैठकर फरार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ पौड़ी बूका खाल 534 यातायात के लिए बदहाल बना हुआ है। नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार से तुगड्डा तक सैकड़ों जगह भूस्खलन की जद से यातायात के लिए जोखिम बना हुआ है। कोटद्वार दुगड्डा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने उक्त मार्ग आवागमन के लिए प्रतिबंध किया हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी में एनआईटी उत्तराखंड के सुमाड़ी में स्थायी परिसर के निर्माण कार्य शुरू न होने पर निर्माण कार्य स्थल पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि एनआईटी स्थायी परिसर के लिए सुगाड़ी के ग्रामीणों ने भूमि दान दी है, अभी तक सुगाड़ी की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू न करवा कर चमराड़ा से लगी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। श्रवण माह सोमवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन को भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बाबा के भक्त दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन में नजर आए। बाबा केदारनाथ के जयकारों से केदारपुरी गुंजमान हो रही है। इस अवसर पर बाबा के भक्त अपने केदारनाथ यात्रा के अनुभव भी शेयर कर रहे हैं और सरकार जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की भी सराहना की गई। सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। मान्यता है कि दक्ष प्रजापति मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने में यहीं विराजमान रहते हैं। हरिद्वार में सावन के महीने की शुरुआत से ही कांवड़ यात्रा निकालना शुरू हो जाती है। सनातन धर्म में पावन
महीना सावन शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा लेकर अपने आराध्य की आराधना करने के लिए निकल पड़ते हैं।